अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और उम्मीद है आप अच्छी सेहत में होंगे, खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे होंगे। अल्लाह आपको हमेशा हंसता बसता और खुश रखे। और ब्रेकफास्ट की क्या पोजीशन है जी? अभी कोई पोजीशन नहीं है, मीटर भी ठीक नहीं है। अच्छा, आज ब्रेकफास्ट की छुट्टी है, आज हम डायरेक्ट लंच करेंगे। आज जुम्मा है और जुम्मे के बाद ही लंच करेंगे, ठीक है जी। व्यूअर्स, आज मिसेज की तबीयत बहुत नासाज है, फ्लू का कोई अफाका नहीं है, चाय के साथ बॉइल्ड एग खाया जा रहा है और ब्रेकफास्ट की आज छुट्टी है। इंशाल्लाह जुम्मे के बाद लंच होगा और बड़ा ही आला किस्म का लंच होगा आज। अच्छा, क्या बनाएंगे आप? नहीं बनाना तो आपने बता देना आज क्या होगा, आला किस्म का लंच होगा। यानी आज फ्राइडे है ना भाई, तो फ्राइडे को सारी जिंदगी हम हॉस्टल्स में रहे और फ्राइडे को हमेशा या फिश बनती है या चिकन बिरयानी बनती है। अब घर में क्या बनता है ये मुझे नहीं पता। ये देखें, ये बोटियां ढूंढते हुए है। नहीं, मिल नहीं, नहीं, ये देखें जी, प्याज कहाँ है यार? ये सामान मैंने अभी तो इसको कर थोड़ा सामान और प्लेटें भर भर के साल खाते हैं, प्लेटें भर भर के। ये देखें जी, ये हमने कल बाजार से रोटियां मंगवाई थी और उसी को हमने दोबारा गर्म किया है। रोटियों को बड़ी मजे की लगती हैं। ये जो है ना, दोबारा पीछे के शोर को प्लीज इग्नोर करें। पीछे जो है ना, ये मर्द हजरात ये चुप नहीं हो रहे। माशाल्लाह से ये देखिए रोटी जल, ये मेरा जो हसन साहब है ये रोटी जला के खाते हैं। बाजी को ज्यादा ही जल गई है रोटी। दे दो मुझे माँ के लिए कुर्बानी दे दो। ये देखें जी, हुसैन साहब जी ब्रेकफास्ट खुद बना रहे हैं। बच्चे ये हसन का एक ही स्टाइल है, हमेशा ये हाफ फ्राई एग खाता है। अच्छा, ये जिद करता है जी मैं एक ही खाऊंगा, कमाल है वैसे। मैं आप व्यूअर्स आपको कहता हूँ दो दो खाया करें, लेकिन ये एग्स लेकिन ये बच्चा नहीं, मैं व्यूअर्स को कहता हूँ, लेकिन ये बच्चा माशाल्लाह अच्छा ये एक ही खाता है। ये अहमद साहब ने चाय डाल दिया, मैं साफ कर रहा हूँ। क्या कह रहे हो आप? मां पढ़ो। क्या कह रहे हो आप हसन? मैं कह रहा हूँ देखो ना, पहले क्या कह रहे थे? गुनाह मिला होगा इतना। चाय की रात है ये, कैसी होते हमेशा जो जितना वहम करेगा ना उतना ऐसी होता है। हाँ जी, जब हम बहन भाई छोटे होते थे, मेरा भाई काशिफ, जो काशिफ भाई है मेरे, वो अम्मी से कहते थे अम्मी मेरी गलती ना टूटे अंडे की, और हमेशा उसी की गलती जो है ना वो टूट जाती थी। ये देखिए मैंने इनको ब्रेकफास्ट बना के दे दिया, क्योंकि कोई आला लंच नहीं होना आज। नहीं, आज हम उम्मीद है इंशाल्लाह ताला बहुत ही आला लंच होगा। मैं बता दी, मैं दाल बना रही हूँ। अगर दाल के साथ अगर प्याज रख दिया जाए ना, साथ एक लीमू, कमाल हो जाएगा। मैं कहूँ वही आला लंच है गरीबों को, और क्या है। गरीबों उठ जाओ, जल्दी करो, उठो उठो ना हो, अजान भी हो रही है, उठ जाओ उठ जाओ। आपको चौथा दिन है यही शर्ट पहन के फिर रहे हो, चौथा दिन है, उठो उठो जल्दी करो। नहीं टाइम नहीं है, उठ जाओ। लंच बन रहा है। अच्छा वाकई, अच्छा मुझे दाल से ज़्यादा तो कोई चीज़ अच्छी लगती नहीं है, लेकिन दाल के कुछ लवाजमात होते हैं वो ज़रा बता दें। क्या देसी घी है हमारे पास? माशाल्लाह जी, फिर व्यूअर्स बस फिर तो कमाल ही हो गया। और आज आपको दिखाएंगे दाल और साथ गरम गरम रोटी और देसी घी का चटखारा, और मज़ा ही आ जाना है जी व्यूअर्स। और लगता है जब हमारा ये व्लॉग लोग देखेंगे तो उससे अगले दिन बिल्कुल यही दाल बनाएंगे। ज़रा दाल का नाम बता दें काइंडली। अच्छा जी, सब्ज मूंग की दाल है, ये देखें व्यूअर्स, ये लगता है ये, अच्छा ये डांसिंग दाल है जी,
ये सिर्फ सब्ज मूंग की दाल नहीं है, ये सब्ज मूंग की डांसिंग दाल है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कौन कहता कांपे टांग रही नहीं, कांपे नहीं टांग रही, बेसिकली ये इनका हाथ नहीं वो जो है डांस कर रहा था, बल्कि जो दाल है वो डांस करा रही थी इनके हाथ को। चलिए ये बताएं आपको मम्मा की सबसे अच्छी बात और सबसे बुरी बात क्या है। मम्मा की सारी बातें ही अच्छी हैं, बुरी बात का तो मैं सोच ही नहीं सकता। इसको कहते क्या है, यहाँ पे बेचारे अपने जिंदगी बसर कर रहे थे अच्छी खासी, क्योंकि आप परेशान ना हुआ करें, कान में भी जिंदगी बसर करेंगे ये। आप परेशान ना हुआ करें, ये अगस्त का महीना है, बेचारे ये बच्चे देते हैं, फिर बच्चे गर्मी की वजह से बाहर आते हैं बेचारे, और ये इनको कुछ ना कहा करें, बस उठा के बाहर लॉन में रख दिया करें। ये तो जा रहे हैं, ये कभी वॉशरूम से निकला ही नहीं है। हाँ सही है, अभी रेडी हो रहे हैं। आज मौसम भी बड़ा अच्छा है माशाल्लाह से, ऐसे जाए काफ़ी बेहतर है मौसम। गर्मी तो है पर उस तरह से गर्मी नहीं है जिस तरह से पहले होती है। दाल बन रही है जी, बस ये अब तड़का लगेगा। ये देखें जी, ये बेडशीट्स आज हम चेंज करेंगे अपने अपने रूम की। ये जी एक बेडरूम की हो गई। ये बच्चों के रूम की हो गई। और जी सिंगल सिंगल अजी, जी जी बच्चों के रूम की हो गई। और टीवी लाउंज की कौन सी पिछा, ये बस ठीक है। माँ क्या बना रही हैं, बहुत भूख लगी। देखा आ गया पकौड़े बना रही हूँ जी, मौसम आज बाहर का काफ़ी अच्छा है, उन्हें क्या चले पकौड़े बनाते हैं जी। हमारे ये वाले मुझे अच्छे नहीं लगते। आपको नहीं अच्छा लगता, हमें तो अच्छा लगता है ना। आपके लिए कौन सा बनाऊँ, पोटैटो वाला? बना सकती हैं, कोशिश हो सकती है। प्लीज़ बना दे, मेरा दिल खुश हो जाएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। माशाल्लाह जी आज बहुत ही प्यारा मौसम है, अगर आप देखें ना पीछे क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं और ठंडी हवा चल रही है। अगर मैं आपको यूँ देखें जी, कितनी प्यारी हवा चल रही है और बहुत खूबसूरत है। हुसैन साहब भी आज कमरे से निकल कर बाहर आए हुए हैं। हुसैन साहब कैसा लग रहा है फ्रेश एयर में आके, इधर आके बताएं। वैसे आप तो रूम में रहते हो ना? नहीं, तो आज कैसा लग रहा है फ्रेश एयर में आके? अच्छा लग रहा है। और लान की ठंडी हवा लग रही है, गर्मी है, ठंडी पकौड़े बना रही है। तुम्हें कब बनेंगे? बस ये बनने वाले, कुछ गोल्डन भी हो गए हैं। पापा भी कह रहे हैं जल्दी बनाए। अच्छा पापा से कहो कि इधर मेरे हाथों के इशारों से कुछ नहीं होता। देखें जी ये हैं आलीशान पकौड़े। खोलो 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 खोलो, इधर है पापा। मैं जी यहाँ पर आज क्या आ जाए जी, आ जाए। हाँ जी जी ऐसे आपके जो सरप्राइज पकौड़े हैं ना, मुझे हुसैन ने बता दिया था कि मम्मा सरप्राइज पकौड़े बना रही हैं। मौसम अच्छा, अच्छा है, बादल बने हुए हैं, बहुत कमाल है। तो वीडियोस को मैंने वैसे दिखाया, जरा दिखाया आप दोबारा, कितना खूबसूरत है। आज हमारा लॉन भी, माली आया था जी, माली कटिंग कर गया। हाँ जी जी, तो माशाल्लाह लॉन भी बहुत प्यारा लग रहा है जी आज। खाएं गरम गरम, देखें बहुत आला। एक तो मौसम, ऊपर से पकौड़े, कमाल हो गया। ऐसा तो नहीं हम गर्मी से आपकी मम्मा के? आज बादल बड़े अच्छे लग रहे हैं।
बहुत ही प्यारी और ठंडी आवाज़ जा रही है। व्यूअर्स, ये असर का टाइम है और ऐसे लगता है जैसे मगरब से थोड़ा सा पहले का टाइम है। चले आ जाए जी, आ जाए, आप भी पकौड़े खाएं। देखें जी, ये हुसैन के बन गए। हुसैन ने मुझे कहा था पोटैटो वाले, मैं कमाल किया हुआ है, पोटैटो पकौड़े हम भी खाएंगे। उसके ना खाएं, खाली हुसैन नहीं खाएगा। देखो हम तो चखने ही चखने हैं हर बंदे के, खबरदार उसके हाथ लगा दिए। मैंने मजा करा दिया, कमाल कर दिया। ऐसे तो नहीं हम आपके दीवाने। ये तो जी पकौड़ों की बहारें आ गई हैं, पकौड़े दर पकौड़े दर पकौड़े। बस करें जी, पेट फूल गया पकौड़े खा खा के। अब आप भी आ जाएं, बैठ जाएं, बस बैठ जाएं कि मौसम को एंजॉय करें हम बस। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे पकौड़े बनाए, हमें खिलाया। अहमद नहीं आ रहा मेरे ख्याल में, नमाज पढ़ रहा है। इतनी सॉरी। देखिए जी, ये है जी दाल, दाल मखनी, क्यों मक्खन नहीं डाला हुआ, दाल मखनी ऐसे अपने नाम दे देते हैं। दाल देसी घी। ये जी सैलड है, ये पकोड़े हैं, मैं पकोड़ों के साथ दाल के साथ रोटी खाऊंगी जी। आज की दाल और पकोड़े मिक्सअप हो गया। वैसे व्यूअर्स ये बताएं कि दाल में अगर मक्खन डालें तो दाल मखनी बनते हैं, और अगर दाल के अंदर ये घी देसी लत पत कर दिया जाए तो उसका फिर क्या नाम रखेंगे हम? पता नहीं, देसी खाना बस। और मैंने क्या कहा था व्यूअर्स, ये जरा देख लें, ये मिंट लीव्स हैं, अनियंस हैं, टोमेटो हैं, साथ दाल है और देसी घी है, तो होगी ना याशी। फिर आला लंच हो गया, आला लंच हो गया, और अल्लाह ने जो मुंह से निकलवाया फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला कर देते हैं जी। और देसी घी की खुशबू आज जरूर व्यूअर्स तक पहुंच रही होगी इंशाल्लाह ताला, इतनी तेज खुशबू है। हमारी मिसेज है तो इंग्लिश, लेकिन खाने रवायती बनाती है इंग्लिश, क्यों मैं को अंग्रेज क्यों रहा दूं। माशाल्लाह बड़ी वो है, आप कहते हैं ना खाने सारे आपके देसी हैं, तो ट्रेडिशनल टच आपके अंदर बहुत है। वैसे माशाल्लाह आप बिल्कुल जिसे कहते हैं आज के दौर की हैं, हम जैसे हम तो पुराने दौर के बंदे हैं ना, 25-30 साल पुराने ही होते हैं ना समय में, ये कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए ये इधर बिजी, अब ये लेटा पड़ा था, इसको पता चला मैंने कैमरा ऑन करना है तो ये फौरन झटपट पैसे तमीज से बैठ गया मेरा बच्चा। ये देखे इसका ये हाल है। हाँ जी हुसैन, नहीं हुसैन और ये जी इधर बिजी है। ये देखे, देखो सुकून नहीं है घर में, मतलब क्या करें व्यूअर्स को, अब क्या कहूँ मैं बताएं। जगह बनाने की बारी किसकी है? कल उसने बनाई थी जगह, तो अब जैसे जगह बना मैंने सोने में तबीयत खराब हो रही है। हाँ जी, आप कुछ कहेंगे? बस ये हम इजाज़त लें, इसके अलावा आप मज़ीद पे कल बात करेंगे। ओके जी, इंशाल्लाह जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। मैं हुसैन तो जा रहे हैं सोने के लिए, बाकी इनका नहीं पता ये तीन मर्द क्या करते हैं। जागेंगे, अपना काम करेंगे, कुछ पढ़ेंगे। ओके जी, अब हमें दे इजाज़त। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर दें, और इसके साथ ही दोबारा नारा करेंगे अल्लाह।